उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे कि अचानक उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सूमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। AK-47 राइफलों से तकरीबन 500 राउंड गोलियां चलाई गईं। अंधाधुंध फायरिंग से पूरा इलाका गूंज उठा। कृष्णानंद राय के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में सवार थे। इस हमले में सभी 7 लोग मारे गए। हमले के लिए ऐसी जगह को चुना गया था जहां से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। दरअसल गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 के बाद से अंसारी परिवार का वर्चस्व रहा। 17 साल बाद 2002 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराकर बीजेपी के कृष्णानंद राय ने ये सीट उनसे छीन ली थी, लेकिन वो विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 3 साल बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। ये खबर पूर्वांचल में आग की तरह फैली। कृष्णानंद राय की हत्या ने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड को नजदीक से देखने वाले कहते हैं कि ये 500 गोलियां मारने के लिए नहीं बल्कि संदेश देने के लिए चलाई गई थी। हत्या करने वाले अपने वर्चस्व का संदेश देना चाहते थे कि आपके विधानसभा इलाके में, आपके अपने गढ़ में, आपके सेफ जोन में घुसकर हमने आपको मारा है। इस हत्याकांड के बाद बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस मामले में CBI जांच की मांग की। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने FIR दर्ज करवाई, तो उसमें मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अताउर रहमान, फिरदौस, संजीव माहेश्वरी और राकेश पांडे समेत कुछ और नाम भी शामिल थे। कृष्णानंद हत्याकांड के समय जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इस कांड में नामजद किया गया था। हालांकि साल 2019 में दिल्ली की CBI कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। जम्मू कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मामले में गवाह थे। कहा जाता है कि जब मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह उसके सामने कमजोर पड़ने लगा तो उसने कृष्णानंद राय से सियासी मदद ली। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोल रही थी। ऐसे में गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय ने चुनाव जीता था। कृष्णानंद का कद बढ़ता देख मुख्तार से उनकी अदावत बढ़ने लगी। दोनों में तकरार बढ़ती रही और इलाके में बालू गिट्टी के ठेके इनकी आपसी लड़ाई की वजह बने। कहते हैं मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय दोनों ही राजनीति में संवैधानिक पद पर थे, इसलिए कृष्णानंद ने ब्रजेश सिंह को तो मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी को खड़ा किया। इनकी दुश्मनी के चलते पूर्वांचल में किसी बड़ी घटना का अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दो बाहुबलियों की जंग में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाएगी। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।